1965 का भारत पाक युद्ध उन मुठभेड़ों का नाम है जो दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चल रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध भी कश्मीर के लिए ही हुआ था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर इस उम्मीद में की थी कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। 10 इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने युद्ध अभियान जिब्राल्टर रखा था। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इस लड़ाई का अधिकांश हिस्सा दोनों पक्षों की थल सेना ने लड़ा। कारगिल युद्ध के पहले कश्मीर के विषय में कभी इतना बड़ा सैनिक जमावड़ा नहीं हुआ था। युद्ध में पैदल और बख्तरबंद टुकड़ियों ने वायुसेना की मदद से अनेक अभियानों में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों के बीच हुए अनेक युद्धों की तरह इस युद्ध की अनेक जानकारियां दोनों पक्षों ने सार्वजनिक नहीं की है। भारत और पाकिस्तान के 1947 में हुए बंटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर तनातनी चल रही थी। हालांकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा था, पर अन्य सीमा विवाद भी थे। इनमें सबसे प्रमुख कच्छ करण, जो कि एक बंजर इलाका है, के बंटवारे पर था। 20 मार्च 1965 में पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ किया रख कर कच्छ के रण में झपे शुरू कर दी गई। शुरू में इनमें केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, पर बाद में दोनों देशों की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। 11 जून 1965 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रुकवाकर इस विवाद को हल करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। इस न्यायालय ने जिसका निर्णय तो बाद में 1968 में आया, पर रुख पहले ही स्पष्ट हो चुका था। कच्छ के रण की करीब 900 वर्ग किलोमीटर जगह पाकिस्तान को दे दी। हालांकि पाकिस्तान का दावा 3500 वर्ग किलोमीटर पर था। 12 कच्छ के रंग में मिली सफलता से उत्साहित पाकिस्तान के राजनेताओं, खासकर तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि वे कश्मीर पर हमले का आदेश दें। भारत उस समय चीन 13 से युद्ध हार चुका था और उनका मानना था कि भारत उस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा भुट्टो और उनके विचार से सहमत अन्य जनरलों याह्या खान और टिक्का खान का ये भी मानना था कि कश्मीर की जनता भारत से आजाद होकर पाकिस्तान से विलय की इच्छुक है और सैनिकों को घुसपैठियों के वेश में भेजने पर उनके समर्थन में विद्रोह कर देगी। आखिर जनरल अयूब खान दबाव में आ गए और उन्होंने गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर 14 का आदेश दे दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की जनता में विद्रोह भड़काना और भारतीय संचार तंत्र एवं परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के घुसपैठियों को जल्दी ही पहचान लिया गया और विद्रोह करने के बजाय जनता ने उनकी सूचना भारतीय सैनिकों को दे दी और यह अभियान पुनर्तः विफल हो गया था। 5 अगस्त 1965 को 26,000 से 30,000 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर की स्थानीय आबादी की वेशभूषा में नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय कश्मीर में प्रवेश कर लिया। भारतीय सेना ने स्थानीय आबादी से इसकी सूचना पाकर 15 अगस्त को नियंत्रण रेखा को पार किया। शुरुआत में भारतीय सेना को अच्छी सफलता मिली। उसने तोपखाने की मदद से 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने टिथवाल, उरी और पुंछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मदद कर ली, पर 18 अगस्त को पाकिस्तानी अभियान की ताकत में काफी कमी आ गई थी। भारतीय अतिरिक्त टुकड़ियां लाने में सफल हो गए और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजीपीर पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे से पाकिस्तान सकते में आ गया। अभियान जिब्राल्टर के घुसपैठिए सैनिकों का रास्ता भारतीयों के कब्जे में आ गया था और अभियान विफल हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान की कमान को लगने लगा कि पाकिस्तानी कश्मीर का महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद अब भारतीयों के कब्जे में जाने ही वाला है। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया अभियान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया।